उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी तहसील क्षेत्र से एक बड़ी हृदय विदारक खबर सामने आ रही है, जहां एक शिक्षिका ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बताया गया है कि मृतका ने घटना को अंजाम देने के बाद अपने परिजनों एवं सहेली को कॉल कर घटना की पूरी जानकारी देते हुए चारधाम मंदिर पर मिलने बुलाया, जिस पर मौके पर पहुंचे परिजनों को वह गंभीर अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई मिली। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतका के मायके वालों ने ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस घटना से 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची के सिर से मां का साया उड़ गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी तहसील क्षेत्र के धार बिठौरिया हरिपुर नायक निवासी 26 वर्षीय गीतांजलि देवपा पुत्री मनोहर सिंह देवपा व्हाइट हॉल स्कूल में शिक्षिका थी। बताया गया है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी मल्ला लोहरी साल मुखानी निवासी अभिनव मेहरा के साथ हुई थी। गीतांजलि की 1.5 वर्ष की बेटी है। परिजनों के मुताबिक गीतांजलि एकाएक घर से निकलकर चारधाम मंदिर स्थित जंगल पहुंच गई, जहां उसने जहरीला पदार्थ गटक लिया, जिसके बाद उसने अपनी एक सहेली और स्वजनों को फोन कर कहा कि अगर आखिरी बार देखना चाहते हो तो चारधाम मंदिर आ जाओ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस विभाग की टीम ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।